तो अभियान ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है फिनलैंड में, और आज का ये जो व्लॉग है वो होने वाला है अभियान के ऊपर, यानी कि मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ के फिनिश स्कूल कैसे होते हैं, अभियान कैसे स्कूल जाता है, और आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी काफी इंटरेस्टिंग चीजें फिनिश स्कूल्स के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो मॉर्निंग हो चुकी है, 7:30 हुआ है यहाँ हमारे यहाँ, और ऐसा ही है, इतना ही अंधेरा रहता है। अभी 8 o'clock तक ऐसा ही अंधेरा रहने वाला है। रहता है हमारे घर का माहौल सुबह सुबह इस तरीके से, गाने चल जाते हैं किचन में, मैं उधर खाना अपना लंच टिफिन वगैरह बना रहे हैं, और इधर अभियान अभी उठा नहीं है। गुड मॉर्निंग अभियान। जरूरत है क्योंकि ये सब पैक होके बच्चे जाएंगे, बहुत ठंड होती है बाहर, सो हम लेके हैं 9 degree, तो इस तरह का एक कॉलर है ताकि इससे ना ये नेट पूरी कवर हो जाती है। तो ये हो गया इसका कॉलर सेट, इस तरीके से ये पूरा जो सूट मैंने आपको विंटर हॉल में दिखाया था ना, विंटर शॉपिंग वाले में, तो ये इसका सूट ले लिया था। तो ये हो गया पैक, अब रह गए इसके शूज। तो घर से बाहर निकल गए हैं, काफी ठंडा है, और यहाँ पर ना कोई वैन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना होता है, या तो फिर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप उससे ड्रॉप कर सकते हैं बच्चों। तो बस स्टॉप पे चलते हैं, और मौसम आप देख ही रहे हैं, बारिश भी हो रही है। मैं बस से जा रहा हूँ, देखो ये बस स्टॉप सामने है, मैं दिखाता हूँ। तो 2 stop हैं बस हमारे घर से अभियान के स्कूल तक जाने के लिए, और हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके पहुँच जाएंगे इसके स्कूल तक। मैं बोलो तो, ये किसने बोला आपको ऐसे जाने के लिए? हंसते हंसते जाना है, हंसते हंसते, चलो हंसते हंसते। तो हम पहुंच गए अभियान के स्कूल, ये सामने रेड बिल्डिंग जो है ये अभियान का स्कूल है, और यहाँ मैं कंफर्म कर देती हूँ कि अभियान अभी डे केयर में जाता है क्योंकि अभियान 5 year old है, और यहाँ पर जो प्रॉपर स्कूलिंग होती है वो 7 साल के बाद शुरू होती है। और जब हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही ना माहौल ऐसा बना होता है कि सब बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, और यहाँ पर आधा घंटा कम से कम दिया जाता है खेलने के लिए मॉर्निंग में, और उसके बाद जो क्लासेस हैं वो शुरू। सो अभियान स्कूल के अंदर आ गया है, अभियान अपना बैग अभी अपने ड्रॉअर में रख के आएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी सारी जैकेट शूज वगैरह रखे हैं, इसलिए क्योंकि अंदर वार्म रहता है बाहर ठंडक रहती है, जैसे ही बच्चे आते हैं वहाँ पर अपनी जैकेट वगैरह टांग देते हैं और अपने शूज वगैरह रख देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप अभियान का नाम भी लिखा है, ग्लव्स वगैरह है सब, इनको एक बॉक्स दिया गया है उसमें रख देते हैं, और यहाँ पर देखिए अभियान को एक ड्रॉअर दी गई है, तो जहाँ पर एक उसकी अलमारी है तो वहाँ पर ये अपना बैग रख के आया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अभियान का ग्रुप है, अभियान की क्लास है सामने जहाँ पर ब्लू ब्लू है। ये जो जैकेट फ्लोरेसेंट जैकेट है अभियान ये पहन रहा है, इसे ही पहन के बच्चे प्लेग्राउंड में बाहर जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म नहीं होती है तो ये इनके ऊपर इनके ग्रुप का नाम और नंबर लिखा होता है। ये है पूरा डाइनिंग एरिया जहाँ पर बच्चों को लंच और स्नैक्स दिया जाता है। अभियान को छोड़ दिया है, और ये जो सारा माहौल है ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ अपने बीच वाले ब्लॉग में जहाँ पर मैंने दिखाया था, तब समर थी, तब समर थी, अब तो बहुत ठंडक हो गई है, और यहाँ जैसे ही बीच के पास आओ ना तो और ज्यादा ठंडक लगने लगती है, और हवा भी तेज चल रही है तो बहुत ठंड लग रही है। जब ये बच्चे यहाँ से प्ले ग्राउंड से खेल के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो फ्लोरोसेंट कलर की एक जैकेट भी देते हैं, वो मैंने दिखाई दी आपको कि फ्लोरोसेंट जैकेट पहनी जाती है, तो बच्चे पहन के नीचे आते हैं, उसमें इनके ग्रुप का नाम और साथ में इनके ग्रुप का जो नंबर होता है वो लिखा होता है, आइडिया लग पाता है कि कौन से, क्योंकि यहाँ पर देखिए ड्रेसेस का जो यूनिफॉर्म होती है उसका कोई चक्कर नहीं है, तो आप कैसे उसको
देखेंगे कि हाँ ये कहाँ का बच्चा है, तो इसीलिए वो जैकेट पहनी जाती है, उस पर नाम लिखा होता है, ग्रुप नाम और जो स्कूल का मतलब डे के अंदर जो नाम है वो लिखा होता है। सो ऐसा रहता है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, एक घंटे के बाद ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ये पूरा जो जंप सूट है ये उतर जाएगा और शूज उतर जाएंगे, ग्लव्स उतर जाएंगे, कैप उतर जाएगी। वो वार्म होता है ना अंदर, हीटर होते हैं अंदर, है गर्मी मतलब अंदर वार्म रहता है तो ये सब जरूरत नहीं पड़ती। फिर दोबारा जब ये दो बजे या ढाई बजे के आसपास ये फिर आते हैं नीचे, तब ये फिर ऐसे ही पूरा फुल सूट पहन के नीचे आते हैं। और 10 o'clock पे जाएंगे तो तब उसके बाद एक क्लास होगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज होता है कि एक दिन मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एक दिन थोड़ा इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक दिन थोड़ा मतलब इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल रही हूँ लेकिन फिनिश में अल्फ़ाबेट सिखा दिया या मैथमेटिक्स सिखा दिया या कुछ एनालिटिक हो गया, कुछ और हो गया, जीके से रिलेटेड हो गया, तो ये सब रहता है एक घंटे का। फिर 11 o'clock होता है इनका स्नैक टाइम, और स्नैक नहीं एक्चुअली लंच टाइम होता है। तो लंच टाइम पे यहाँ पर होता है खाना, मैंने आपको वो भी दिखा दिया कि नीचे डाइनिंग हॉल कैसा होता है, वहाँ पर बैठ के ये बच्चे खाते हैं। पर क्या होता है स्नैक, ये जो लंच टाइम होता है उसके बाद एक नैप टाइम होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना नैप टाइम वाला, क्योंकि हमने तो कभी नहीं सुना कि स्कूल में सुलाया जाता है। बुक्स दी जाती हैं तो बच्चे बुक्स पढ़ सकते हैं लेकिन उनको आराम ही करना है, ऐसा नहीं कि वो भाग के खेल सकते हैं। वो टाइम जो होता है वो लेटने का टाइम होता है इनके लिए। बकायदा यहाँ पर गद्दे रखे गए हैं, छोटे छोटे जो गद्दे होते हैं, और एक बुक दी रहती है, स्टोरी बोलती है। गद्दे होते हैं, इनको एक ब्लैंकेट मिलता है, बकायदा ये गद्दे पे लेटेंगे, ब्लैंकेट ओढ़ेंगे, एक बुक लेंगे, उनको वो पढ़नी है, पढ़े ना पढ़े जैसा भी है, इनको आराम करना होता है। उसके बाद इनकी एक फिर क्लास होती है, प्ले टाइम होता है, थोड़ा सा एक और क्लास होती है जिसमें फिर कुछ ना कुछ कुछ यू नो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जैसे ड्राइंग बनाना, कलरिंग करना या कुछ और। और उसके बाद फिर 2 बजे एक और स्नैक टाइम होता है, उसमें छोटा मोटा स्नैक इनको फिर से मिलता है, यानी कि जिसमें दूध रहता है, पानी, जूस या कभी कभी बर्गर, हॉट डॉग या बर्गर जैसा कुछ मिलता है, तो वो रहता है। और 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ये बच्चे फिर से यहाँ पर बाहर आ जाते हैं इसी तरीके से जैसे अभी आपने देखा, और ये बच्चे यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स टाइम, जैसे भी उनको कितने बजे लेना है, तो जैसे मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 बजे तक पहुँचती हूँ, मैं 3 बजे लेती हूँ। कुछ पेरेंट्स बाद में भी आते हैं, जो लोग ऑफिस जाते होंगे 4 बजे 5 बजे भी आते हैं। तो आगे का क्या शेड्यूल रहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 3 बजे तक का मैं शेड्यूल आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसा रहता है यहाँ के स्कूल्स। भी है कि नीचे जब गीले हो जाते हैं तो ऊपर एक ड्रायर है, कपड़े मतलब कपड़े अपने आप उधर सुखा लेते हैं। एक मशीन है ऊपर इस तरीके की कि कभी कभी क्या होता है बच्चे जैसे ग्लव्स पहने हैं तो उनके ग्लव्स पहने हैं, लेकिन सूट तो चलिए ठीक है वो वाटरप्रूफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी ग्लव्स गीले हो गए या कभी कैप गीली हो गई, बारिश है और कुछ कुछ इस तरीके है, तो वो वहाँ पर एक मशीन रखी गई है, उस मशीन में आप अपने कपड़े डाल दीजिए, बच्चे खुद ही डालते हैं। एक बार अभियान में बता रहा था अभी कुछ दिन पहले कि उसके शायद ग्लव्स गीले थे तो उसने अंदर रख दिए और वो कुछ देर में मतलब एकदम ड्राई होके निकल गए। मतलब यहाँ पर तो खिलाने, ये एक्चुअली डे केयर तो खिलाने खेलने के लिए ही आते हैं बच्चे, यहाँ पर एक्चुअली स्कूलिंग नहीं है। अभी जो बैग में देखा, बैग में अभियान की कोई बुक्स किसी तरह की कोई चीज नहीं थी, अभियान सिर्फ बैग के अंदर एक चीज है, और टिफिन अलाउड नहीं है, टिफिन यहाँ अलाउड नहीं, क्योंकि टिफिन यहाँ मिलता ही है। एक क्लास में जो होता है एक मेन टीचर होती है, उसके साथ साथ 2 असिस्टेंट टीचर्स भी रहते हैं जो कि बच्चों की हेल्प के लिए होते हैं, खाने के टाइम पर थोड़ा सा हेल्पफुल होते हैं। ये बच्चे बाहर भी जाते हैं यहाँ पर। अभी पीछे ही अभियान का एक ट्रिप था जिसमें अभियान मेट्रो में बैठ के एक लाइब्रेरी तक गया था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि अपने यहाँ तो जब हम लोग कहीं जाते थे बहुत ही पास होता था तो हम पैदल जाते थे लाइन बना के, इधर भी जाते हैं पैदल भी जाते हैं। अगर पास में होता है, दूर होता था तो हम हमारे स्कूल में बस लगती थी, बस में बैठ के हम वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता था, वो हमारा पिकनिक हुआ करता था। स्कूल में मतलब एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है ये सब भी अगर आप जानना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में जल्दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ जानना चाहते हैं यू नो यहाँ की चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, फिनलैंड में स्कूल्स का प्रोसेस जानना चाहते हैं, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय। क्या है फादर्स डे और ये क्या बनाया, कार्ड पापा के लिए, दिखाओ जरा। अव्यान के स्कूल में आज फादर्स डे सेलिब्रेशन था और ये अव्यान ने कार्ड बनाया है पापा के लिए अपने, तो चलें घर।